हेलो एवरीवन गाइस, एज ऑल ऑफ अस नो कि निमसेट ने इस बार अपने ऑनलाइन टेस्ट को लेके एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल पहले से अपलोड कर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आज हम उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम देने जाने के पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहली चीज, आपको वहां पे आपका एक सिस्टम अलॉट किया गया होगा जिसमें आपका हॉल टिकट नंबर होगा, तो आपको उसी सिस्टम पे जाके बैठना है जिसपे आपका हॉल टिकट नंबर मेंशन्ड हो। किसी गलत सिस्टम पे मत बैठिएगा, क्योंकि आप उसी सिस्टम पे बैठ के अपने एग्जाम दे सकते हैं जहां पे आपका हॉल टिकट नंबर मेंशन्ड हो। ओके, सेकेंड थिंग, आपको लॉगिन करना होगा अपने सिस्टम पे। लॉगिन के लिए जो आपकी यूजर आईडी होगी वो आपका हॉल टिकट नंबर ही होगा, और जो पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ओके, आपको रफ शीट्स मिलेंगी, आपको लेके नहीं जानी है। जो रफ शीट्स आपको मिलेंगी उनमें आपको अपना हॉल टिकट नंबर और अपना नेम मेंशन करना होगा, और पेपर खत्म होने के बाद आपको वो शीट्स जो है वहीं पे इन्विजिलेटर सबमिट कर रहे होंगे, तो उनको देख के आनी होगी या फिर अपने डेस्क पे छोड़ के आनी होगी। वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा क्या करना है। ओके, आपको अपने साथ लेके वापस नहीं आनी है वो रफ शीट्स। थर्ड थिंग, आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसका जो काउंटर होगा वो आपके राइट टॉप राइट कॉर्नर पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके एग्जाम में यू नो कितना टाइम बचा है। जैसे ही आपका टाइम एंड होगा आपका जो पेपर है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा या आपको सबमिट करना नहीं होगा, टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट होगा जैसे ही पेपर का जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाएगा। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आप कि जो सेक्शंस हैं लाइक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, आपके अलग अलग सेक्शंस होंगे एग्जाम में, आप स्विच कर सकते हैं इजीली। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे आप इजीली जा सकते हैं विद इन वन सेक्शन आल्सो, और अगर आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में भी जाना है तो भी आप स्विच कर सकते हैं। आपके पास आंसर क्लियर करने का ऑप्शन रहेगा, मतलब अगर आपने गलती से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो डी सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन चेंज करने का आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने गलती से बी लगा दिया आपको ए लगाना है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मार्क्ड फॉर रिव्यू करना है, ये पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पिछले बार इस चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक हुआ है, बहुत सारे नंबर लूज किए हैं। अगर आप क्वेश्चन कोई मार्क्ड फॉर रिव्यू कर रहे हैं और कोई आंसर नहीं टिक लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन में डाउट है, आपने कोई उसका आंसर मार्क नहीं किया, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू लगाकर छोड़ दिया, तो आपका पेपर जब ऑटोमेटिकली सबमिट होगा तो वो क्वेश्चन कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि आपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में डाला था पर कोई ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया ही नहीं था, तो उसका ना आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा ना पॉजिटिव पॉइंट। बट इन केस अगर आपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेलेक्ट किया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपने बी ऑप्शन आपको लग रहा है सही है, आपने सेलेक्ट कर दिया, बट आपको लग रहा है कि मैं एक बार इसमें दोबारा देखना चाहूंगा, मुझे डाउट है, आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल दिया, तो इस केस में अगर आप दोबारा उसे नहीं चेक करते हैं और आपका पेपर जब सबमिट हो जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर जिसका आपने बी ऑप्शन लगाया है वो कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो आपके नंबर डिडक्ट होंगे। तो इसलिए मार्क फॉर रिव्यू कोई क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर आप उसे लास्ट में नहीं चेक कर पाते हैं तो कंसीडर होगा, उसकी मार्किंग होगी, और अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मार्किंग कैसी होगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट मार्क्ड फॉर रिव्यू क्वेश्चंस। आप पेपर के दौरान किसी भी टाइम लाइक 2 घंटे की आपकी ड्यूरेशन होगी, उसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स अपने जो आपके रिस्पॉन्सेज है वो डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू को से हटा सकते हैं, उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। कोई भी एक सेक्शन आप लाइक मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन जो होगा लाइक रीजनिंग नेक्स्ट सेक्शन होगा तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। आप 30th क्वेश्चन पे मैथ्स के आप पूरे क्वेश्चन नहीं करना चाहते और आप रीजनिंग में जाना चाहते हैं तो आप अपने आप से भी जा सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन टेस्ट। बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस वहां पे एग्जाम शुरू होने के पहले आपके स्क्रीन पर आएंगे, रिकमेंडेशन यही है कि आप उन्हें शांति से ठंडे मन से जरूर पढ़ें। ओके, क्योंकि पेपर पहले तो शुरू हो नहीं जाएगा, पेपर आपको जब टाइम स्टार्ट होगा तब भी शुरू होगा। ओके, एक और चीज जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप निमसेट को मेल करके पूछें कि आपका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है ऑनलाइन टेस्ट को लेके
उसमें सेवेंथ पॉइंट है कि देयर आर 120 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सो अगर कंपलसरी वर्ड जुड़ जाता है किसी चीज के आगे तो मतलब उसका यही होता है कि हाँ आपको सारे 120 क्वेश्चन सारे करने हैं। तो अब ये कंपलसरी निमसेट ने किस सेंस में लिखा है कि आपको सारे क्वेश्चंस विजिट करने होंगे या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज टाइम बेस्ड पेपर में ऐसा होता नहीं है, बट उन्होंने कंपलसरी बाय मिस्टेक लिखा है। अगर जानबूझ के लिखा है, बाय मिस्टेक नहीं लिखा है, तो उसका क्या सेंस है प्लीज उसको क्लियर कर लीजिए एक बार मेल करके एग्जामिनेशन के पहले। इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू।